हेलो गाइस, और क्या हाल है। फाइनली हमारे रियलमी जीटी मास्टर एडिशन डिवाइस में UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट रियलमी ने रिलीज कर दिया है। तो अगर आपके पास रियलमी का जीटी मास्टर एडिशन डिवाइस है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, बिकॉज आज हम बात करेंगे UI 3 एंड एंड्रॉइड 12 के स्टेबल अपडेट के बारे में। और अब फटाफट से एक लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। उम्मीद है आप कंप्लीट करवा दोगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा देना, बिकॉज आपको हमारे चैनल पर इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा देखने को मिलने वाली है। गाइज, जीटी मास्टर एडिशन में UI 3 एंड एंड्रॉइड 12 के स्टेबल अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन C.05 का देखने को मिलता है। इसी के साथ मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हो RMX 3360, जो कि जीटी मास्टर एडिशन का ऑफिशियल मॉडल नंबर है। एंड इस अपडेट का साइज 296 MB का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी छोटा साइज है, बिकॉज ये वाला जो अपडेट है ना, वो दोस्तों ओनली फॉर उन्हीं यूजर को देखने को मिला है जिनकी डिवाइस में ऑलरेडी रियलमी 3 का बीटा वर्जन इंस्टॉल है। तो अगर आप एक बीटा यूजर हो ना, तो आपको ये वाला अपडेट डेफिनेटली मिलने वाला है। यानी कि गाइस, फाइनली जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है UI 3 एंड एंड्रॉइड 12 का, वो देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपके डिवाइस में बीटा वर्जन UI 3 एंड एंड्रॉइड 12 का इंस्टॉलर नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो है ना, ये वाला सेम टू सेम अपडेट, एकदम सेम टू सेम अपडेट जरूर से प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर भैया ओनली साइज का डिफरेंस होगा। हो सकता है कि इस अपडेट का साइज आपको 5 GB के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी अपडेट के साथ वर्जन आपको C.05 का ही जरूर से प्रोवाइड किया जाएगा, नो डाउट। एंड अगर बात करें आपको, यानी कि जो बीटा यूजर नहीं है UI 3 के, उनको ये वाला जो अपडेट है ना, वो कब तक मिलने वाला है। अब देखो गाइस, ये वाला जो अपडेट है ना, वो रियलमी बैचेस वाइज प्रोवाइड करेगा। अपकमिंग 5 दिनों के अंदर ये वाला जो अपडेट है ना, वो थोड़े बहुत यूजर को जरूर से देखने को मिल जाएगा। एंड बाद में 10 दिनों के अंदर सभी जीटी मास्टर एडिशन डिवाइस के यूजर को ये जो अपडेट है ना, वो रियलमी 1x1 प्रोवाइड कर देगा। फिलहाल आप लोग मान के चलो, ये जो अपडेट है ना C.05 का, वो दोस्तों 10 अप्रैल 2022 के पहले सभी यूजर को सक्सेसफुली मिलने वाला है, ओके। एंड अगर बात करें C.05 स्टेबल अपडेट के फीचर लोग के बारे में, जहां पर भैया जो UI 3.0 का ऑफिशियल फीचर लोग है, वो दोस्तों फिर से रिपीट कर दिया है, और कुछ नहीं, वही सेम टू सेम चीजें देखने को मिल जाती है। बट ये एक स्टेबल अपडेट है, जहां पर भैया आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है, नो डाउट। एंड बीटा वर्जन में जो माइनर प्लस मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता था, वो दोस्तों इस अपडेट के साथ प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। एंड आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहो, अगर जीटी मास्टर एडिशन डिवाइस के किसी न्यू अपडेट के बारे में हमें कुछ भी पता चलता है ना, तो सबसे पहले हम आपको जरूर से बता देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।